नमस्कार, मैं सोनू। भाजपा नेता सोनाली फोगाट के मौत के मामले में सीबीआई ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। जल्द ही सीबीआई की टीम गोवा जाएगी। सीबीआई के साथ दिल्ली से फोरेंसिक टीम भी गोवा जाने की तैयारी में है। इससे पहले गोवा पुलिस ने जांच में कई बड़े खुलासे किए थे, लेकिन परिवार पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं था। घटना के बाद से ही परिवार सीबीआई की जांच की मांग कर रहा था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। सोनाली फोगाट की गोवा में एक रेस्टोरेंट में पार्टी के बाद मौत हो गई थी। सोनाली के परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। हरियाणा सरकार ने भी परिजनों की मांग का समर्थन किया था। गोवा के कलीरज रेशेदार में सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को मौत हुई थी। सोनाली की मौत मामले में परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। परिवार का कहना था कि गोवा पुलिस मामले में उचित कार्रवाई नहीं कर रही। सोनाली फोगाट के भतीजे विकास सिंगमार ने हाल ही में आरोप लगाया था कि गोवा पुलिस पर राजनीतिक प्रभाव है, इसलिए मामले की जांच सीबीआई करे। सोनाली की मौत मामले में खाप महा पंचायत ने हाल ही में कहा था कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। इसके लिए सरकार के पास 23 सितंबर तक का समय है। अगर मांग नहीं मानी गई तो 24 तारीख को बैठक होगी, जिसमें हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। सरकार ये मत भूले कि आदमपुर उपचुनाव समीप है। महापंचायत प्रवक्ता संदीप भारती ने कहा था कि 14 सितंबर को हिसार में फिर से बुलाई जाएगी मीटिंग। 50 सदस्य प्रतिमंडल एसपी से मिलकर यशोधरा की सुरक्षा के लिए मांग रखेगा। इसके बाद हम तय धरना व अन्य बातों पर विचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।